सो गाइस, क्या आप भी चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग करना? क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस खा खा कर चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना? तो इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग का आज मैं रियलिटी भी बताने वाला हूँ गाइस। बस आप लोग को इस वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है और ओपन इंटरेस्ट OI डेटा में दिखाऊँगा कि यहाँ पर OI डेटा देख के कैसे यहाँ पे ऑप्शन चेन देख के आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रॉफिट रोज़ के 1000 से 1200 रुपये लगा के 1000 से 2000 कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। आज जैसे मैंने प्रॉफिट किया 1600 का प्रॉफिट किया मैंने। सो यहाँ पे देख सकते हो 1600 का प्रॉफिट किया है मैंने। अब गाइज मैंने कैसे प्रॉफिट किया 1600 को, मात्र कितना रुपये लगा के, मात्र यहाँ पे देख सकते हो 1200 रुपये लगा के, 1100 लगा के मैंने यहाँ पे 1610 का प्रॉफिट किया, जो कि आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी था दोस्तों। लेकिन पैसा मुझे सबसे ज़्यादा बना यहाँ पे बैंक निफ्टी में, उसके बाद मुझे इसमें लॉस हो गया था यहाँ पे निफ्टी में, उसके बाद मुझे निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सो दोस्तों, आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का यहाँ पे रियलिटी भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यानी कि ऑप्शन चेन यहाँ पे देखना सीखोगे, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग यहाँ पे सीख पाओगे। और गाइज, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग को यहाँ पे सिंपली से क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा, उस पर महारत हासिल करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखकर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, दो ही इंडेक्स में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है गाइज। ओके गाइज, सो गाइज आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। निफ्टी 50 पे क्लिक कर देना, देन आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, FNO पे आ जाना। ओके गाइज, FNO पे आ गए हम। और ये जो है ना, आप लोग को यहाँ पे 80+ होना चाहिए, तब मार्केट कॉल साइड के लिए मूवमेंट करेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आज जो है मार्केट यहाँ पे 0.79% यहाँ पे जो है प्लस में है। यहाँ पे देख सकते हो, सरप्लस भी कह सकते हो गाइस कॉमर्स की भाषा में। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट जो है 21,941 का लो लगाया था और 22,080 का हाई लगाया था। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 21,941 तक ही क्यों गिरा यहाँ पे 21,941 तक, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों था यहाँ पे। पहले तो आप लोग को यहाँ पे सपोर्ट, एक 21,941 का सपोर्ट आप लोग को बनाना है। यहाँ पे मैं 15 मिनट के कैंडल पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ 15 मिनट के कैंडल पे। ओके गाइज, यहाँ पे आपको यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। 15 मिनट के यहाँ पे चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग 21 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग को यहाँ पे कर देना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरा यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा सपोर्ट लेवल है। ये एक मिनट गाइज, एक ये मेरा सपोर्ट लेवल है और एक मेरा जो है 22,000 का रेजिस्टेंस मान के चलना है। ओके गाइज, 22,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोग को 22,000। ओके, हाँ 22,000। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हाँ ये एक रहा, एक 22,000 का। ओके, ये मेरा एक सपोर्ट हो गया और एक मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए ये दोनों लेवल मैंने क्यों बनाया। ओके, मैंने बनाया था मात्र एक मिनट के यहाँ पे बेसिस पे, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूँ क्या होता है यहाँ पे। एक मिनट, अब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोग को देखना सिखाऊंगा। ओके गाइज, मार्केट जो है यहाँ पे 21,941 तक आया था। ओके, यहाँ पे 21,941, अब 21,941 यहाँ पे कहाँ गया, 21,000 मुझे 950 ढूंढना है, 21,950 यहाँ पे देख सकते हो, 21,950। ओके, अब यहाँ पे OI डेटा क्लिक करना है। ओके, OI डेटा पे मैंने क्लिक किया, अब देख सकते हो 21,950 पे OI डेटा किस साइड ज़्यादा है, पुट साइड ज़्यादा है ना। यहाँ पे 260,000 यहाँ पे है, 260,294 लोट लगा है यहाँ पे, 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का यहाँ पे जो है ऑपरेटर यहाँ पे अपना लोट लगा कर बैठा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट जो गिरेगा तो ऑपरेटर को लॉस होगा, जो ऑप्शन पुट सेलर है उनको लॉस होगा। तो यहाँ पे जो है, सॉरी गाइज, यहाँ पे जो कॉल सेलर है उनको लॉस होगा। तो हमें क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे कॉल साइड के लिए यहाँ पे लेना है। अगर इस साइड ज़्यादा है ना OI डेटा,
कम से कम दो गुना होना चाहिए। OI डेटा कम से कम लाखों में होना चाहिए तभी जाके काम करता है, 2 लाख 2.5 लाख रहता है तभी जाके काम करता है। अब मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ गाइस, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद सारे यहाँ पे निगेटिविटी आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा और रियलिटी पता चलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। आज ये वीडियो प्लीज़ देख लेना, नहीं तो ऐसे ही लॉस खाओगे। वैसे तो लॉस मुझे भी होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मार्केट में लॉस नहीं खाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, 21,950। सो दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मार्केट से ना कभी हार मत मानना। ये आप लोग को हमेशा गलत यहाँ पे साबित करना चाहेगा मार्केट, लेकिन आप लोग को अपने मार्केट पे यहाँ पे अपने मार्केट पे अपने लर्निंग पे फोकस करना है। और यहाँ पे एक दिन में या एक साल में कोई यहाँ पे ट्रेडर नहीं बनता, या 2 साल में 5 साल 6 साल लग जाता है ट्रेडर बनने में। तो आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे 100% मार्केट को लर्निंग करने के लिए देना है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 21,950 का। यहाँ पे जो है इस साइड ज़्यादा है तो मुझे कॉल साइड के लिए यहाँ पे लेना था। ओके, जब 21,950 तक आए तो यहाँ पे एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना था मुझे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना था। अभी मैं दिखाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देना था। ओके गाइज, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया। सो गाइज, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग को वेट करना है। ओके, अब ये एक फेक ब्रेकआउट देगा आप लोग को, एक फेक ब्रेकआउट देगा 21,941। एक मिनट गाइस, 21,941, हाँ 21,941। तो आप लोग को यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं मिला, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 21,950 का कॉल यहाँ पे आप लोग को बाय करना था। 21,950 को यहाँ पे वाइड देख के अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे मछली की तरह आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अपने शिकारी के लिए यहाँ पे जो है कौए की तरह यहाँ पे आप लोग को वेट करना है। वेट करना है, जैसे ही 21,950 पे आए आंख बंद करके थोड़ा सा वेट करना है आप लोग को यहाँ पे 15 से 20 मिनट। अगर मार्केट सस्टेन करता है, अगर 15 से 20 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर गया, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो आप लोग को यहाँ पे उस दिन ट्रेड नहीं लेना है इसमें, क्योंकि उस दिन ओपन OI डेटा काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं सस्टेन करता है, डायरेक्ट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो उस ग्रीन कैंडल को आप लोग को यहाँ पे क्या करना, हाई लो यहाँ पे क्या करना है, लेवल में बना लेना। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एंट्री रहेगा, यहाँ से आप लोग को इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का, और यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे यहाँ से अगर जाएगा तो आप लोग को 20 से 30 पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे निफ्टी 50 में जानते हो 20 से 30 पॉइंट बहुत रहता है, 1,000-1,200 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ओके गाइज, अब ये स्ट्रेटजी अब मैं दिखाता हूँ, मैं किस स्ट्रेटजी पे आज मैंने प्रॉफिट किया। अब देख सकते हो 22,000 का मैंने कॉल लिया था, 22,000 का मैंने कॉल लिया था, करीब मैंने यहाँ पे लिया था 17 पे लिया था, और मैंने यहाँ पे इसे सेल किया था 27 पे मैंने, क्योंकि वहाँ पे OI डेटा जो है नीचे आया था। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया था उसके लिए मैं यहाँ पे 516 का ही मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि लालच नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक ट्रेड अगर लॉस होता है दिन में, अगर एक ट्रेड भी लॉस होगा ना, तो आप लोग का मूड ऑफ हो जाएगा। और मुझे 2 ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ, तो ऑलरेडी मेरा मूड ख़राब था। यहाँ पे 2,000 के करीब आज मुझे प्रॉफिट होता है, मात्र 1,000 रुपये लगा के, 1,000-1,100 लगा के। तो आज मुझे 1,600 का ही यहाँ पे लॉस हुआ, कल मुझे 5,000 का लॉस हुआ था, कल मुझे मार्केट में 5,000 का लॉस हुआ था गाइस। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कल मुझे 5,000 का लॉस हुआ था मार्केट में। ओके, 5,000 का मुझे कल लॉस हुआ था, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 5,161 का लॉस हुआ था, और पिछले दिन 927 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था। ओके गाइस, 6,000 का लॉस मुझे मात्र 2 दिन में हुआ गया था। तो मुझे अब मैं चाहता हूँ मात्र यहीं पे 2,2700 लगा के मुझे रिकवरी करना है। अब देखो, मार्केट से बदला तो लेना नहीं है, अपन को क्या करना है, लर्निंग करके तब जाके मार्केट से बदला लेना है। क्योंकि मार्केट ने लिया है तो मार्केट देगा भी, अगर लर्निंग करोगे तो पैसा एक ही चीज़ दे सकता है, वो है आपका एजुकेशन, आप कितना सीखते हो। अगर नहीं सीखोगे ना, तो ऑपरेटर क्या करता है पता है आप लोग को, अगर आप लोग आते हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ऑपरेटर क्या करेगा, पहला दिन है सभी का डीमैट पता रहता है ऑपरेटर को, यहाँ पे करोड़ों में यहाँ पे चलता है मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई बंदा, मतलब आज हम लोग समझ लेते हैं
मार्केट मुझे लग रहा है पॉजिटिव, तो हम लोग ओवरनाइट पोजीशन यानी कि आज मैंने डिलीवरी में उठा लिया बैंक निफ्टी का 45,900 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन, वो भी 20-20 लॉट सारे, एक यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ पे लॉट लगा हुआ है, 1 करोड़ में बोलता हूँ सॉरी गाइस, यहाँ पे 2 लाख लॉट लगा हुआ है। अब देखो कॉल के लिए, अब ऑपरेटर आप लोग के साथ क्या खेला खेलेगा, यहाँ पे ऑपरेटर आप लोग के सुबह प्री ओपनिंग में यहाँ पे कम से कम 300 पॉइंट गैप डाउन ही मार्केट खोलेगा और आपका यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मार्केट है भाई, यहाँ पे लर्निंग करो और मोमेंट को पकड़ना है, ट्रेंड को पकड़ो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को जिस दिन पकड़ना सीख जाओगे तो यहाँ पे पैसा बनेगा, पैसा बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बस एक लॉस फिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 दिन में यहाँ पे 6,000 कैपिटल मैंने यहाँ पे अपना लॉस किया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कोई साइकोलॉजी मेरा ठीक नहीं था। तो अब जितना दिन मुझे लॉस होता है तो मैं सीखता हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरा डीमैट जो है प्रॉफिट में ही है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ गाइस। यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ा, रिपोर्ट में जाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ FNO ऑप्शन, FNO PNL अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 1,000-2,000 प्रॉफिट में ही होगा, यहाँ पे देख सकते हो। अब कल मुझे यहाँ पे हो जाएगा कितना का 2,500 का प्रॉफिट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मेरा जो ब्रोकरेज चार्ज 12,000 चला गया, मैं प्रॉफिट में बहुत था, यहाँ पे जो है 60-70,000 का प्रॉफिट में था, लेकिन सॉरी गाइस प्रॉफिट में नहीं 60-70,000 का लॉस में था, लेकिन मैंने जब से सीखना यहाँ पे शुरू किया तब से जाके यहाँ पे प्रॉफिट बनना ही स्टार्ट हुआ। सो दोस्तों आप लोग को बस साइकोलॉजी और यहाँ पे इमोशंस पे और ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मैं भी ओवर ट्रेडिंग बहुत कर रहा हूँ, धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश मैं भी करता हूँ, लेकिन मार्केट से कोई प्रॉमिस नहीं, कोई मार्केट में एक दिन में ओवर ट्रेडिंग नहीं छोड़ेगा और एक दिन में कोई पैसा नहीं कमाएगा। यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना है गाइस, और यहाँ पे उसी तरह से बैंक निफ्टी में अगर आप लोग को लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे आप लोग को बना लेना है, ओके इसी तरह से। सो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।